गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? होप आप सभी अच्छे होंगे। हम भी एकदम मस्त फर्स्ट क्लास है। स्वागत है गाइस आज के ब्लॉग में। तो गाइस, ब्लॉगिंग की शुरुआत करते हैं मॉर्निंग से। अभी टाइम हो रहा 8:30 और अभी फ़िलहाल हमने नाश्ता हल्का फुल्का किया, बोलते तो चाय बिस्किट खा लिए। और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं थोड़ा ड्यूटी पे, आज संडे है वैसे, तो उन्हें बुला रखा है इमरजेंसी में। तब तक मैंने सोचा कि आज थोड़ा सारे बिस्तरे वगैरह बाहर करके धूप में सुखा देंगे, क्योंकि मस्त धूप आ रखी है और यहाँ हल्का फुल्का सीलन भी आ रहा है ना इस वजह से। तो सोचा कि आज बाहर करते हैं बिस्तर वगैरह, थोड़ा उनको धूप ऊप लग जाएगी और थोड़ा बहुत कपड़े हैं सूट के, इसमें उनको भी बाहर धूप में सुखा देते हैं। खोलते हैं ये वाली खिड़की, तो इससे देखना धूप आएगी मस्त रूम पे। यहाँ से मस्त व्यू दिखता है पूरा। और यहाँ पे हमारा बेड इधर, और यहाँ से जैसे रात को हम सोएंगे भी तो खिड़की खोल देते हैं तो मस्त हवा आती है। ये देखना बहुत तेज धूप आ रखी है और आज तो मौसम बिल्कुल क्लियर हो रखा है, साफ हो रखा है आज। काम तो पे लग जाते हैं फटाफट, वरना कहीं बारिश होगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। डाल दिया मैंने कंबल, एक कंबल इधर, ये दो गद्दे। अब डालते हैं दर्जी वगैरह। देखो गाइस, मैंने सारे कपड़े बाहर कर दिए, केवल सूटकेस के बस, कुछ मेरे कुछ मेरे हस्बैंड के। और देखना उधर क्या कर रहे हो, ये हैं क्या कर रहे हो? बैठ के पबजी खेल रहा आराम से। गाइस अभी टाइम हो रहा है 12:30, तो खाना बनाने की तैयारी करते हैं। बस कपड़े भी मैंने धो दिए हैं, झाड़ू पोछा वगैरह मेरा सब हो गया, बस केवल जो कपड़े सुखाने रखे हैं वो अभी रखे नहीं, थोड़ा सा 1-2 घंटे और फिर उनको अभी तई मार के फिर रखते हैं अंदर। और आज सोचा है खाने में बनाते हैं कढ़ी चावल, क्योंकि कब से कढ़ी बनाई थी परसों, छाछ है वैसे तो बनाते हैं। फिर पहले मैं सोचती सिंपल कढ़ी बनाऊं, बट हस्बैंड की डिमांड है कि पकौड़ी वाली कढ़ी बनाऊं, मुझे ऐसी आफत आ रही है आज, तो बनाते हैं पकौड़ी वाली कढ़ी। तो गाइस आप बताना आप कैसे बनाते हो पकौड़ी वाली कढ़ी। मैं तो केवल पकौड़ी बनाऊँगी तो केवल बेसन ही बेसन के बनाती हूँ, मैं उसमें आलू या प्याज मिक्स नहीं करती। जैसे बेसन को थोड़ा गाढ़ा किया और उसमें नमक मिर्ची डाला और मैं चम्मच से डालती हूँ कढ़ाई में, तब बन जाती है। तो मैं दिखाती हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे बेसन और इसमें डालेंगे हम नमक मिर्ची धनिया और हल्दी पाउडर, उसके बाद इसका पेस्ट बनाएंगे। गाइस चारों चीज़ें हमने इसमें ऐड कर ली और इस पर डालेंगे हम पानी और ये पेस्ट। गाइस हमारा बैटर तैयार हो चुका है और इधर काटी है मैंने प्याज, इधर लहसुन। अब फटाफट करते हैं। गाइस अभी डाल रहे हैं कढ़ाई में तेल, तेल थोड़ा ज़्यादा डालेंगे क्योंकि थोड़ी सी हमने पकौड़ी बनानी है इस वजह से। और ये आप देख सकते हो ये बैटर तैयार हो चुका है हमारा, और पकौड़ी बनाऊंगी मैं छोटी छोटी चम्मच से, ज़्यादा बड़ी बड़ी भी नहीं क्योंकि हमें दो है। मैं हाथ से इसलिए लेना है क्योंकि हाथ पे चिपके हो जाते हैं, फिर मुझे अजीब लगता है, चम्मच से ही लिए चम्मच से हाथ गंदे नहीं होंगे, वो नोक पूरे उंगलियों पे लग जाता है इस वजह से। ये देखो गाइस तो पकौड़ियाँ कितनी अच्छी बन रखी है बेसन की। तो गाइस मैंने बनाया था कड़ी पत्ते का पाउडर, आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा था, तो मुझे बार बार कहीं जाना नहीं पड़ता। तो गाइस जब तक हमारा खाना बनता है तब तक फटाफट कपड़े उपड़े की तई मारते हैं, क्योंकि हमारे कपड़े भी सूख चुके हैं और उधर से मौसम काला हो रहा है तो क्या पता बारिश हो जाए, तो फिर फटाफट कपड़े सुखा देते हैं, तई मार देते हैं मतलब। संडे पूरा ख़राब चला गया। तो गाइस कढ़ी हमारी बन चुकी है और मुझे तो चावल के साथ का पीने में ज़्यादा मज़ा आता है।
टेस्टी टेस्टी। गाइस कपड़े भी हमने पूरे तैयार मार, क्योंकि बहुत तेज़ धूप हो रही थी और उसके बाद तो फिर आराम करने को हो जाता है। अभी हमने फिलहाल खाना नहीं खाया, अब खाना खाते हैं। बाप रे मेरे पाँव भी जल रहे हैं, क्योंकि फिर उसके बाद सो जाएंगे, फिर 5 बजे कहीं बारिश ना हो जाए, इसलिए वजह से हमने फटाफट कपड़ों की तैयारी मार दी और अब खाते हैं खाना। वो कपड़े रह गए हमारे, वो भी ढंग से सूखे नहीं होंगे और वो देखना, वहाँ से मौसम काला हो रखा है, बट हल्के हल्के बादल भी लग गए। कहीं बारिश हो जाएगी तो फिर सही है, वरना बहुत धूप भी हो रही है, गर्मी तो इतनी खतरनाक हो रही है बहुत ज़्यादा। आज मैंने कमरा भी हल्का फुल्का साफ़ किया अपना, वैसे साफ़ तो खैर मेरा कमरा रहता ही है, बस मैंने केवल जो ऊपर का सामान, जो नीचे का सामान था, मतलब जो ऊपर वाला सामान है वो नीचे था, मैंने उसको ऊपर कर दिया, मैंने गिचपिच छोड़ कर था, बाकी तो साफ ही है। आज टाइम हो रहा है अभी 6:30 और दिन में तो बहुत तेज़ धूप थी, बट अब मौसम का हाल ये देखो, वहाँ से पूरा काला हो गया और हल्की हल्की बूंदाबांदी पड़ने लग गई है। तो बहुत तेज़ धूप थी बट आज मौसम ने अपना रूप आखिरकार दिखाई दिया। देखना शाम को बारिश हो रही है, अभी बारिश रात भर रहेगी, कल रहेगी, ये तो भगवान जाने, बैठ गई ताकि कल हमारा क्या पता कहीं घूमने का प्लान बनता, बट अब क्या पता जाए ना जाए, इतनी बारिश में कौन जा रहा, रिस्क है बहुत ज़्यादा। तो देखना मौसम का हाल, हल्की हल्की बूंदाबांदी पड़ने लग गई है, बट खैर ये ठंडा हो जाएगा मौसम, वरना 2 दिन से बहुत तेज़ धूप थी तो गर्मी भी बहुत खतरनाक हो रही थी, काला हो गया मौसम बहुत ज़्यादा। आज का ब्लॉग यहीं पे करते हैं एंड आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो गाइस मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।